18 नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है कि द सिक्स टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -10 एंड द टेंथ टर्म ऑफ इज -26। हमें 15 टर्म निकाल के बताना है इसका। तो लिखते हैं हमें यहाँ पे जो गिवन है a6 -10 गिवन है एंड a10 जो है आपके पास -26 है और हमें बताना है a15 के बारे में। ठीक है, a15 के बारे में बताना है। तो व्हाट, चलिए a6 का मतलब a प्लस में 5d -10 ओके एंड a10 का मतलब a प्लस 9d इक्वल टू -26। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसको, माइनस माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 5 गया 4d नेगेटिव और ये जो होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, कितना 16, पॉजिटिव का 16 हो जाएगा यहाँ पे ओके, प्लस का 16। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल होगा 16 4 टाइम्स में और ये माइनस का इधर ले लो आप, डी का वैल्यू माइनस का 4। अगर आप यहाँ पे ए का वैल्यू चाहते हो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले चलो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट था और ये आपका सेकेंड था। तो ए प्लस 5 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 10। तो ए प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 20 इक्वल टू माइनस का 10। तो ए प्लस यहाँ ए इक्वल टू ये माइनस का 10 प्लस का 20, तो कितना जाएगा, प्लस का 10। ए का वैल्यू हो गया आपके पास प्लस का 10, गॉट इट। अब चलिए हमें निकालना है a15 ना, a15, तो a15 इक्वल टू कितना होता है, a प्लस में 14d हो जाएगा। a का वैल्यू 10 आ चुका है आपके पास, तो प्लस में 14 का 14 और d जो है आपके पास माइनस का 4 आ गया है। तो 10 और ये प्लस माइनस का माइनस, 14 में 4 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 56 और सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो माइनस का 46 आपका आंसर हो जाएगा ओके।